इसकी और आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंट लेंथ पोटेंशियल फ्लो एंड फुली डेवलप्ड फ्लो। इसमें इक्विवेलेंट लेंथ है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है जो कि इतना जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही साधारण भाषा में, आप किसी को समझा सकते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इक्विवेलेंट लेंथ किसी को कहते हैं। नहीं तो बहुत से आज इवन मेरे को भी मतलब पूरा सेमेस्टर निकल गया था समझने में कि आखिर कहते हैं किसको इक्विवेलेंट लेंथ और क्या होता है। सो ओके, हम लोग देखते हैं। पहला इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप, फिर है पोटेंशियल फ्लो एंड फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। तो हम पहले बात करेंगे इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप से। तो हम डिफिनेशन पर देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप, सो देखते हैं। इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पाइप इन विच फ्रिक्शन लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेट पाइप विच इन्वॉल्व फिटिंग। ओके, तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं। जैसे ये बोला है कि इक्विवेलेंट लेंथ जो है एक नॉर्मल पाइप ही है, बस उसमें क्या होता है फिटिंग होता है, फिटिंग किया जाता है। फिटिंग में क्या रहेगा आपका, फिटिंग में आप कर सकता है लाइक फिटिंग हो सकता है आपका वाल्व हो, ठीक है, या फिर टी हो, एल्बो हो, या फिर ईडीसी जो भी हो, या फिर कोई ज्वाइंट हो या यूनियन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूनियन है, फिर कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सटेंशन है, ये सब आता है, सब फिटिंग में आते हैं। तो ये बात करता है, तो हम लोग समझेंगे फिगर से। जैसे एक बार फिर से पढ़ते हैं, इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पाइप इन विच फ्रिक्शन लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पर विच इन्वॉल्व पाइप इन्वॉल्व फिटिंग। तो हम लोग देखते हैं फिगर से, ये तो डिफिनेशन हो गया। देखिए एक ये पाइप है, ठीक है, ये है आपका फिटिंग पाइप और ये है आपका नॉर्मल पाइप, ठीक है। देखिए इसमें आपका एक टी लगा हुआ है और एक यहाँ पर वाल्व लगा हुआ है। इसमें क्या है, एक ये लाइन लाइन लगा हुआ है, फिर ये और नीचे जाता है, फिर यहाँ पर ही एक आ जाता है क्रॉस, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल लाइन हो गया, नॉर्मल पाइप, और ये हो गया आपका फिटिंग पाइप। अब देखिएगा फिटिंग पाइप में एक आपका क्रॉस लगा हुआ है, एक है टी लगा हुआ है, ठीक, और एक आपका वाल्व लगा हुआ, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, कुछ भी लगा हो सकता है। और नॉर्मल पाइप उसमें एकदम सीधा जाता स्ट्रेट है, कुछ नहीं है। तो इसका लेंथ मान लेते हैं हमारा कितना है, एल है, और इसका टोटल लेंथ मान लेते हैं कितना, एल डैश, ठीक है। तो ये जो एल और एल डैश है ये बराबर तभी हो सकता है व्हेन फ्रिक्शन लॉस इज इक्वल। अगर इसमें जो फ्रिक्शन, देखिए कोई भी पाइप रहेगा तो फ्रिक्शन होगा, इसमें आपको कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्क्रीन फ्रिक्शन होगा, क्यों, ये वॉल के सरफेस पे जो भी फ्रिक्शन होता है ना उसको स्क्रीन फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसमें फोम फ्रिक्शन हो सकता है क्योंकि ये आपका 90 डिग्री से घूमेगा ऐसे जाएगा तो यहाँ पर ईडी बनेगा, ये बहुत तरह से बन सकता है। वॉल फ्रिक्शन होगा, फोम फ्रिक्शन भी होगा इसमें, तो इसमें लॉस बढ़ जाता है। इसमें भी लॉस है लेकिन इसमें लॉस जाता है,
ठीक है, अगर ये दोनों तो जो नॉर्मल पाइप है आपका ये बहुत लंबा जाएगा और लंबा जाएगा। जो नॉर्मल पाइप है, ये नॉर्मल पाइप आपको मान लेते हैं कि ये 10 मीटर का होगा, तो आपका फिटिंग वाला हो जाएगा 5 मीटर मान लेते हैं। तो 5 मीटर का एक पाइप है, हम उसमें फिटिंग किए हैं, उसमें का लॉस जो हुआ है वो बराबर होता है 10 मीटर का जो नॉर्मल पाइप है उसमें का लॉस जब बराबर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप। आई होप आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल पाइप बहुत लंबा होता है, ये छोटा होता है, तो नॉर्मल पाइप में जो लॉस और इसका लॉस जहाँ बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ की बात करें मतलब दूसरे के साथ कंपेयर करने की बात हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि नॉर्मल पाइप है और एक नॉर्मल पाइप का स्ट्रेट लाइन है और एक है पाइप जिसमें फिटिंग इन्वॉल्व है, इसमें जो फ्रिक्शन लॉस होगा जितना लेंथ में उतना ही सेम, अगर उससे बहुत ज़्यादा लेंथ में अगर सेम फ्रिक्शन लॉस हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ। तो ये 5 मीटर का पाइप है आपका और ये क्या है आपका 10 मीटर का पाइप है, इसमें 5 मीटर में इतना लॉस हो जा रहा है, इसमें 10 मीटर पाइप में लॉस हो रहा, तो इसका इक्विवेलेंट लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब ये लेंथ दोनों बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट लेंथ वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते थे। अब है कि फ्रिक्शन लॉस किसके किसके वजह से होता है, फ्रिक्शन लॉस जनरली फिटिंग्स वजह से होता है, फिटिंग में आता है कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन ज्वाइंट एल्बो जितना भी है सारे चीज आते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन इनलेट है आउटलेट का सारे आते हैं। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। जैसे कि आप कुछ किसी का दिया हुआ था फेसर एफेक्ट डिराइव किया है कि फॉर्मूला हम देखते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, इक्विवेलेंट लेंथ बराबर होता है एल ई बटा टी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म ये होता है। और एक चीज है आपका इक्विवेलेंट लेंथ में जैसे किसी का रहता है आपका टी है तो उसमें 15 दिया जाता है, एल्बो है तो उसमें मतलब 32 से 40 तक दिया जाता है उसका, यानी 32 लिया जाता है। इसी तरह जो 90 डिग्री एल्बो होता है उसमें कुछ और लिया जाता है 45 या फिर जो भी है, इस तरह से बढ़ता जाता है क्योंकि इसमें जो लॉस होता है मतलब ये जो टी का जो लॉस है ना, एक नॉर्मल पाइप है आई टी है तो इसमें इसका लेंथ मान लिया जाता है 15 मान लिया जाता है, कितना जो है अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें मान लीजिए इसमें लॉस हो जाना है 20 जूल, ऐसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन में, जिस तरह से आता है तब 20 जूल होता है, तो हम लोग ये जो लेंथ है ना इसको मेजर करके लिख दिया है 15 और कुछ नहीं है, ये लेंथ को स्ट्रेट लाइन बनाया और देखा था कितना हो गया 15 हो गया, दोनों सेम लेंथ लॉस हो जाता है। आई होप आपको इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है, आप जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाइएगा तो हर जगह तो फिटिंग विदाउट फिटिंग का रहता नहीं है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन किया जाता है। हम लोग नॉर्मल लेंथ की जगह जो लेते हैं ना वो इक्विवेलेंट लेंथ का ही लेते हैं। ओके, और एक है पोटेंशियल फ्लो, पोटेंशियल फ्लो जो है आइडियल फ्लो इसको बोल सकते हैं, पोटेंशियल फ्लो को, पोटेंशियल फ्लो इज नथिंग बट आइडियल फ्लो, ठीक है, कैसे पोटेंशियल फ्लो में क्या होता है कि इसमें शियर नहीं होता है, फ्लो विथ नो शियर स्ट्रेस, नो शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड पोटेंशियल फ्लो, ठीक है, जब शियर नहीं होगा तो क्या होगा, ईडी बनेगा नहीं, नो ईडी, ठीक है, नो टर्बुलेंस, दैट मीन इरोटेशनल, ये इरोटेशनल फ्लो होगा, इसमें रोटेशन नहीं होगा, इरोटेशनल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हैं फ्लो फ्लो विथ नो शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड पोटेंशियल फ्लो, तो पोटेंशियल फ्लो को हम लोग आइडियल फ्लो माना जाता है, ठीक है, ये फ्लो है इसमें हम सीधे सीधे जा रहे हैं, कहने का मतलब इसको हम दूसरा नाम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। आई होप आप इसमें समझ में आ गया होगा। एक है आपका फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, ये देखते हैं
फुल्ली डेवलप्ड लोड। ये क्या होता है कि कोई पाइप है आपका ऐसा, ठीक है, तो इसमें ये जो फ्लो अगर हम भेज रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से, अगर यहाँ भी देखते हैं तो 4 मीटर पर सेकंड रहेगा ना, तो हम इसको बोलते हैं फुल्ली डेवलप्ड लोड। कहने का मतलब जैसे शुरू में जब इन किया था पाइप में, ये पूरा फ्लो जैसे कोई पाइप है उसमें अगर आप डालिएगा तो शुरू में उसका जो आकार है उसको शेप में ग्रहण करता है, मतलब उसको आकार में देता है, तो जब वो पूरा डेवलप हो जाता है उस आकार को, तो वहाँ पर आता है फुल्ली डेवलप फ्लो। इसीलिए बोलते हैं कि जो फ्लो हो रहा है ना वो पूरा का पूरा उस आकार में डेवलप हो गया है, तो अब आगे भी एकदम पूरा फ्लो हो रहा था उतना ही सेम स्पीड से साथ, तो वही बोलते हैं कि आपका फ्लो विथ अनचेंजिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर एक ऐसा फ्लो है जिसमें वेलोसिटी आगे चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। तो इस तरह से आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। आई होप तो इसमें कुछ आपको नया सीखने मिला होगा और बहुत ही सिंपल भाषा में समझाए हैं, तो आपको कुछ नया लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा इससे इंकरेज मिलता है हमको भी, और नए हैं आप वीडियो पे तो थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि और लोगों को जो जरूरतमंद है जैसे खासकर जो कॉलेज में है उन्हें जरूर वीडियो भेजे, ताकि वो लोग आसानी से कॉलेज टाइम नहीं समझ पाए, और केमिकल इंजीनियरिंग को जो एक भारी सब्जेक्ट घोषित कर दिया गया ना कि नहीं सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है गूगल पर सर्च करने के बाद, वो ऐसा नहीं है, ये सब पता नहीं कहाँ से मिथ मिथ फैला देते हैं, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही मजा आएगा, हमें तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।